गोलीकांड अरुण शर्मा दी मौत तों बाद सड़क ते लाश रख के कीता चक्का जाम। पुलिस वालों एक होर मुलजम नूं नामजद दे भरोसे तों बाद होया अरुण शर्मा दा अंतम संस्कार। 17 सितंबर नूं तड़के हमलावरां वालों अरुण शर्मा दे घर विच दाखल होके मारियां गईयां सी गोलियां। बीती 17 सितंबर नूं खरड़ दे जनता चौक नेड़े रहिंदे अरुण शर्मा नाम दे एक सीए दे घर विच तड़के 3:30 बजे दाखल होए हमलावरां वालों गोलियां मार के अरुण शर्मा नूं जख्मी करन दे मामले विच अरुण शर्मा दी हस्पताल विच मौत होण तों बाद परिवार वालिया अते खरड़ दे वसनीकां वालों मृतक दी लाश रख के खरड़ मुख सड़क ते धरना दित्ता गया। उन्हां दी मंग सी कि इस मामले विच बाकी हमलावरां दे नाल शामिल अमनदीप सिंह वासी भागो माजरा नूं भी नामजद कीता जावे अते सारे दोषी काबू कीते जाण। केस च इक मुंडे दा नाम नहीं पाया, अमनदीप जिहड़ा भागो माजरे दा रहण वाला जी, हाँ जी, उन्होंने नाम नहीं पाया तो वो करके अच्छे अभी धरना लाए कि सानू पूरी FIR कंप्लीट करके दे जाओ। आज से 4 दिन पहले जिन शर्मा जी की यह डेथ हुई है, इनके बेटे के ऊपर देववन जिसका नाम है उसके ऊपर कुछ लड़कों ने, 6-7 लड़कों ने इनके घर पर 8-9 फायर गोलियां चलाई, इनकी गाड़ी को थारा तोड़फोड़ कर दिया। और जब ये बच्चा देववन घर में नहीं मिला, छुप गया कहीं, तो इसके बाप को घर से बाहर निकाल कर बैट मार मार कर, रोडे मार मार कर उसके दोनों टांगे तोड़ दी गई और उनके छाती पर रोटे मारी गई, उनके यहाँ थाई पर गोली मार के आर पार कर दी गई, जिससे आज उनकी मृत्यु हो गई। और पुलिस प्रशासन खरड़ SHO भगवंत सिंह, हमारे कहने के बावजूद भी, घर वालों के रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी, एक आदमी जिसका नाम अमनदीप है, जो कि भागो माजरे का रहने वाला है, उसका नाम हम आंखों से देखा हुआ मुजरिम है कि वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसका नाम आप डालो FIR में। लेकिन SHO सिटी खरड़ की, भगवंत सिंह की क्या मजबूरी है, किस मंत्री का उसको फोन आ गया, किस सरकार के नुमाइंदे का फोन आ गया कि वो दबता हुआ डरता हुआ उस आदमी का नाम पर्चे में डाल ही नहीं रहा। इसलिए आज हमें, जब मृत्यु के बाद भी उसने नाम नहीं डाला, तब हमें ये रोड ब्लॉक करके धरना देना पड़ा। अब जाके वो SHO माना है, बड़े बड़े पुलिस अफसरों को पता लगा, कान खड़े हुए हैं, तब जाके वो माना है कि मैं FIR में नाम दर्ज करूंगा। बाद विच मौके ते पहुंचे खरड़ दे DSP पाल सिंह अते खरड़ दे SHO भगवंत सिंह वालों इस मामले विच दोषियां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन अते अमनदीप सिंह दा नाम मामले विच नामजद करन दा भरोसा दिता गया। देवन शर्मा दे कोई पुरानी रंजिश सी इन्हां दी, उहदे विच असीं इक मुकदमा नंबर 208 मिति 17/9/2020 उह दर्ज कीता सी, जिहदे विच असीं 5 बंदिआं दे तां असीं 22 नेम परचा दित्ता सी, तो 2 बंदे उहदे च अननोन सीगे, तो ये देवन शर्मा जिहड़ा कंप्लेनेंट है अरुण शर्मा जी का लड़का, वो अज दस रहा पुलिस नूं रिटन एक कंप्लेन दिती है भी जिहड़ा ये अमनदीप सिंह पुत्र बलबीर सिंह पिंड भागो माजरा भी वह भी इत्थे मौके ते सी जदों लड़ाई हुई है, तो झगड़ा इत्थे साडे घरे आया सी, भन तोड़ करी आ ते गोलियां वगैरह चलाइया, ये उहनां दे विच सी मुरजमां च, कोई पोलीटिकल दबाव नहीं, जिहड़ी बनदी कार्रवाई है सख्त ते सख्त हो रही है। ये मुकदमे असी कुछ घंटे के जोड़े इन्होंने 5 मुरजम 22 नेम लिखाए थे 5 बंदों के नाम। भरोसा दिते जाने तो बाद परिवार वालों यह धरना समाप्त कर दिता गया अते बाद विच श्री शर्मा का अंतम संस्कार कर दिता गया। इत्थे यह जिक्रयोग है कि श्री अरुण शर्मा के घर से की गोलीबारी अते कुटमार के मामले में यह गल सामने आई थी कि हमलावरा वालों श्री अरुण शर्मा के बेटे देवन शर्मा 1.5 साल पहला काबू करके उसके कपड़े उतार के उसकी वीडियो बनाई गई थी, जिसनों वायरल करने की धमकी देके उसनों ब्लैकमेल किया जा रहा सी। इस संबंधी देवन शर्मा वालों पुलिस विच शिकायत भी दर्ज करवाई गई सी। बीती 17 सितंबर नू हमलावर तड़के 3 बजे श्री अरुण शर्मा के घर विच दाखिल हुए सी अते इन्होंने घर के अंदर वड़ के श्री शर्मा अते उन्हां दे पुत्र की कुटमार की सी। इस दौरान देवन घर की छत तो होके भज गया सी, जदों कि हमलावरा वालों श्री शर्मा नू काबू कर लिया गया सी अते घर के बाहर ले जाके उन्हां नू गोली मार दी सी। इस घटना का काफी हिस्सा CCTV विच भी कैद हो गया सी, जिस विच हमलावर गोलियां चलांदे श्री शर्मा नू घर दे बाहर ले जांदे अते गड्डी दी तोड़ भन करदे भी नजर आ रहे हन। इस दौरान हमलावरा वालों घर विच लगे CCTV कैमरे ते भी गोलियां चलाईयां गईयां हन, जिन्हां दे निशान छत ते मौजूद हन। इस दौरान श्री शर्मा दे बेटे अते परिवार वालिया वालों हमलावरा दी पहचान कर लई सी अते पुलिस नू हमलावरा बारे जानकारी भी दे दित्ती गई सी। घटना की जानकारी मिलदियां ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई अते मामले की जांच आरंभ दी गई सी। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई सी।
पुलिस वालों इस मामले विच परिवार तो मिली जानकारी अनुसार पबजीत गिल, बलजीत चौधरी, आकाशदीप अते हरिंदर सहोता समेत होर अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया है। जदों की परिवार की मांग सी कि इस मामले विच सीसीटीवी कैमरे विच नजर आ रहे अमनदीप सिंह वासी भागोमाजरा नूं नामजद करके उसनूं काबू किया जाए। इस मामले विच पुलिस की भूमिका उपर भी सवाल उठ रहे हैं अते पुलिस वालों इस संबंधी लोड़ींदी कार्रवाई की जानी चाहिए है। खरड़ तो स्काई हाक टाइम्स लई शमिंदर सिंह की रिपोर्ट।